नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। बिहार में युवाओं को ठगने और उनके साथ जालसाजी करने का कई बार ऐसा मामला सामने आ चुका है। एक बार फिर से जालसाज गिरोह युवाओं को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ताज़ा मामला पटना एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है, जहाँ जालसाज गिरोह युवाओं को ठगने के लिए तरह तरह के कारनामे कर रहे हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर विभिन्न पदों पर नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी जालसाज गिरोह ने कर लिया है। यहां तक कि युवाओं को ऑफर लेटर भी दिया जा चुका है। आखिर क्या कुछ मामला है, आपको बताते हैं। एयरपोर्ट पर विभिन्न पदों के लिए नौकरी देने के नाम पर ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंडिगो एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर नौकरी देने के नाम पर सातिरों ने कई को चपत लगा दी है। यही नहीं, ठगी के शिकार लोगों को सातिरों ने ऑफर लेटर तक भी भेज दिया है। ऑफर लेटर भेजने के बाद अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के नाम पर रकम मांगने लगे। सातिरों ने कई अभ्यर्थियों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोलकाता एयरपोर्ट के पैड पर सेलेक्शन लेटर भेज दिया है। उसमें लिखा गया है, आप लोग सूरत एयरपोर्ट पर योगदान दे, सालाना पैकेज 2,64,000 रुपये है। ग्राउंड स्टाफ के रूप में आप लोग अपना योगदान दे सकते हैं। एयरपोर्ट निदेशक भूपेश नेगी ने इस लेटर को सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि यह सातिरों का काम है, फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों से सावधान रहे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बहाली के बाबत में जानकारी वेबसाइट पर रहती है। अथॉरिटी प्रमाण पत्र आदि वेरिफिकेशन के लिए रकम नहीं लेती है। वहीं इंडिगो में पटना एयरपोर्ट पर असिस्टेंट सुपरवाइजर पद बहाल होने के लिए अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर भेजा गया। उसमें उनका मानसिक मानदेय 20,500 लिखा है। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर MM रैसी हुसैन ने बताया कि उन्होंने इस फर्जीवाड़े की जानकारी एयरलाइंस के एथिक्स विभाग को भेज दी है। हालांकि ठगी का यह मामला पुलिस के सामने पहुंचा है। एयरपोर्ट पुलिस ने बताया कि इस तरह का कोई केस थाना में दर्ज नहीं हुआ है। बिहार में नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगने और उनके साथ जालसाजी करने का कई मामला सामने आ चुका है। एक बार फिर से जालसाजों ने एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से करोड़ों रुपये की ठगी कर चुका है। अगर आपसे भी कोई नौकरी के नाम पर पैसे मांगता है तो आप भी सावधान हो जाइए। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।